सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर व्हाट्सएप को यूज करते हैं और आपको किसी अदर का स्टेटस शो नहीं होता, मतलब कि अगर मेरे पास जितने भी चैट हैं इनमें से किसी ने भी एक स्टेटस लगाया हुआ तो मेरे को वो शो नहीं होता, तो गाइस आज की वीडियो जो है आप ही बनाने, क्योंकि आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो बने एंड तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, तो गाइस वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में आ जाना होगा। एस प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च कर लेना होगा। गाइस व्हाट्सएप सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पर ओपन की जगह आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको वहाँ से अपडेट कर लूँगा। गाइस मेरे को अपडेट इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए आपको राइट में 3 डॉट दिख जाएंगे, आप जैसे उस पर टाइप करेंगे आपको दिख जाएगा अनेबल ऑटो अपडेट। गाइस इस ऑप्शन से क्या होगा, अगर कोई अपडेट आएगा किसी भी ऐप का तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो गाइस यही आप अनेबल कर सकते हैं इस ऑप्शन को भी। तो गाइस ये करने के बाद आपको देखना होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है आपको क्या करना होगा बता रहे तुम। आपको यहाँ पर अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना होगा। गाइस आपको यहाँ पर जाके इसे अनइंस्टॉल कर देना होगा। अनइंस्टॉल करने के बाद अभी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना होगा। मैं आ जाता हूँ सेटिंग में। गाइस सेटिंग में आने के बाद आपको ऐप्स में आना होगा। ऐप्स में आने के बाद अब आपको मैनेज ऐप्स में आ जाना होगा। गाइस मैनेज ऐप्स में आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च कर लेना होगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रॉल करके भी आ सकते थे या फिर आप ऐप इन्फो में जाके वहाँ से आ सकते थे। तो गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप। तो गाइस यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप लिख दिया। अब आपको क्या काम करना होगा, आपको यहाँ पर ऐप परमिशन में आना होगा। इसकी सारी परमिशन अगर आपकी ऑफ हुई तो आपको इन सारी परमिशन को ऑन कर देना होगा। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टोरेज में आना होगा। स्टोरेज में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसका पहले क्लियर कैच करना होगा, फिर आपको इसका क्लियर ऑल डाटा कर देना होगा। तो गाइस ये करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 101% सोल्व हो जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो मेरे को यही बतानी थी कैसी लगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।